दिसंबर का पहला वीक मूवी लवर्स के लिए काफी अच्छा रहा। आयुष्मान खुराना की एन एक्शन हीरो, कार्तिक आर्यन की फ्रेडी और अदवी शेष सर की हिट द सेकंड केस जैसी बढ़िया मूवीज रिलीज हुई। दिसंबर के सेकंड वीक पर भी वैरायटीज ऑफ मूवीज रिलीज हो रही हैं, लाइक सलाम वेंकी, ब्लर, वध, मारीच, लाइफ इज गुड, पीपा। इनमें से कुछ मूवीज ओटीटी पर आ रही हैं तो कुछ थिएटर्स में रिलीज हो रही हैं। मैंने सबसे पहले देखा मूवी ब्लर। ये मूवी Zee5 पे रिलीज हुई है तो आराम से घर बैठे हॉरर थ्रिलर फिल्म एंजॉय कर सकते हो। बात अगर करें मूवी की तो इसमें है तापसी पन्नू डबल रोल में और गुलशन देवैया। स्टोरी घूमती है गायत्री के अराउंड। बैक टू बैक उसके लाइफ में दो घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से गायत्री अंदर तक टूट जाती है। सबसे पहले उसकी ट्विन सिस्टर गौतमी, जिसका किरदार तापसी ने ही निभाया है, उसकी डेथ हो जाती है, और दूसरी गायत्री अपना आईसाइट धीरे धीरे खो देती है। अब सबको ये लगता है कि गौतमी ने सुसाइड किया, लेकिन गायत्री ये मानने से इनकार कर देती है और निकल पड़ती है खुद ये पता करने कि आखिर उसकी बहन के साथ क्या हुआ था, किसने उसे मारा था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि गायत्री की आंख की रोशनी भी धीरे धीरे जा रही होती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। पर गायत्री को यकीन होता है कि उसे कोई ना कोई डोनर जरूर मिल जाएगा, और इन सब चीज़ों के बीच गायत्री के पार्टनर की भी सेम सस्पेंसफुल तरीके से डेथ हो जाती है। अब गायत्री कैसे ढूंढती है किलर को, किलर मिलता है या नहीं, किलर कोई है भी या नहीं, या फिर सच में गौतमी ने सुसाइड ही किया था, यही सब मूवी में आगे दिखाया जाता है। नो डाउट तापसी एक बहुत अच्छी बेहतरीन एक्ट्रेस है, और जब वो इस तरह की थ्रिलर मूवीज़ करती हैं तो उनका किरदार इम्प्रेसिव होता है। लेकिन उनकी पिछली मूवी दोबारा, उसमें भी यही लगभग सेम ही कैरेक्टर था इनका, और एक्टिंग भी सेम ही लगती है, कुछ नया देखने को नहीं मिलता। कुछ ऐसे सीन्स थे जहाँ तापसी के कैरेक्टर को कन्फ्यूज भी दिखाना होता है और सैड भी, जैसे जब उनकी सिस्टर की डेथ हो जाती है, लेकिन वहाँ वो कन्फ्यूज तो दिखती है पर उनके चेहरे पर वो सैडनेस अपीलिंग नहीं लगता। गुलशन देवैया की बात करें तो इनके सीन्स काफ़ी कम है मूवीज़ में, पर जितने भी हैं बेहतरीन काम किया है उन्होंने। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है, नया है। बॉलीवुड में इस तरह की मूवीज़ दिमाग घुमाने वाले काफ़ी कम ही बनते हैं, पर ये ब्लड मूवी ओरिजिनल नहीं है, 2010 में आई एक स्पैनिश मूवी जूलियाज आई का रीमेक है। अब ये ओरिजिनल मूवी मैंने तो नहीं देखी, तो मेरे लिए ब्लड मूवी बिल्कुल नया था। मूवी कॉन्सेप्ट वाइज तो अलग है, लेकिन इस तरह की थ्रिलर मूवीज़ में बैकग्राउंड म्यूजिक का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो सीन्स के सीरियसनेस को बढ़ाता है। वो चीज़ यहाँ कहीं ना कहीं मिसिंग लगती है। सिनेमाटोग्राफी बहुत सही है इस मूवी की, जो इस मूवी का एक एडवांटेज भी है, जिसके पीछे हैं सुधीर कुमार चौधरी सर, जिन्होंने दृश्यम 2 जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो ओवरऑल ये 2 घंटे की मूवी OTT पे है तो वन टाइम वॉचेबल तो है, लेकिन अगर ये मूवी थिएटर्स में आती तो शायद ही कोई जाता देखने। तो ये था ब्लर मूवी का रिव्यू। तो आपने ये मूवी देखी या नहीं? नहीं देखी तो देख सकते हो, उतनी बुरी भी नहीं है। और अगर देख लिया है तो कमेंट ज़रूर करना अपना ओपिनियन कि आपको ये मूवी कैसी लगी।